डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी फर्जीवाड़े के मामले में आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा है। पत्र में सोसाइटी द्वारा गलत कार्यशैली का प्रयोग करके प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है और जांच की मांग की गई है। शिकायत पत्र को ट्विटर पर शेयर करते हुए अदिति सिंह ने लिखा कि बच्चियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के नाम पर जमीन ली गई, दशकों बाद भी उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और अब उस जमीन को करोड़ों में बेचने की फिराक में है। कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी के उस फर्जीवाड़े और भारी पैसे की गड़बड़ी की जांच के लिए मैंने आज आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा है। सुनिए अदिति सिंह ने क्या कहा। ये है कि रायबरेली में एक ट्रस्ट, एक सोसाइटी बनी हुई है, कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी, जिसका गठन 68-69 में हुआ था और जिनको एक जमीन पट्टे पे दी गई थी लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए, एजुकेशन व्यवस्था बनाने के लिए, इसीलिए इसका नाम एजुकेशन सोसाइटी है। इस सोसाइटी के मेंबर्स थे उमा शंकर दीक्षित जी, शीला कौल जी, यशपाल कपूर जी एवं अन्य कांग्रेस के परिवार के लोग या तो लॉयलिस्ट्स। इस ट्रस्ट ने कभी वहाँ स्कूल नहीं बनाया, कभी कोई कॉलेज नहीं बनाया, कभी कब्जा ही नहीं था इनका, कभी काबिज ही नहीं थे वो इस ज़मीन पे। और वहाँ फिर उस ज़मीन पे धीमे धीमे छोटे लोग बसने लगे, किसी की ऑटो की छोटी सी दुकान तो किसी की छोटी सी पान की गुमटी तो किसी की चाय की दुकान। आज की तारीख में वहाँ 112 लोग उसी ज़मीन से अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं से उनकी रोजी रोटी, वहीं उनके घर हैं और वहीं उनकी दुकानें हैं। अब ये हुआ है कि वो फ्री होल्ड उन्होंने करा ली थी ज़मीन, 2002-2003 के आसपास उन्होंने फ्री होल्ड करा ली थी और उसके बाद उन्होंने दो सेल अग्रीमेंट कराई थी। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये ज़मीन आपको सरकार ने पट्टे पे नजूल की ज़मीन इसलिए दी थी कि आप फ्री होल्ड अग्रीमेंट करा के फिर अग्रीमेंट टू सेल करें? क्या इसलिए दी थी? क्या जनता की के पैसे की जो ज़मीन होती है, सरकार की जो ज़मीन होती है, जो सरकार सोचती है कि नजूल की ज़मीन जनरली दी जाती है अस्पताल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, जनसेवा के लिए, क्या ये है कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी की और कांग्रेस पार्टी की जनसेवा कि वो इस ज़मीन से नॉट ओनली कि उन्होंने वहाँ जिस काम के लिए उनको ज़मीन अलॉट कराई गई थी, बहुत जनहित में अलॉट कराई गई थी, जनसेवा के लिए अलॉट कराई गई थी, नॉट ओनली कि उन्होंने वो उस चीज़ पे खड़े नहीं उतरे, अब वो वहाँ से उन गरीबों को भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं जिस ज़मीन पे वो काबिज ही कभी नहीं थे। आप वहाँ मौके पे जाके देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, आप मौके पे वहाँ जाके देखिए, सिविल लाइन पे, हार्ट ऑफ द सिटी का मैटर है, छोटे छोटे दुकानें वाले गरीब लोग, कोई डेली मुझे फ़ोन आता है कि मैम हम तो मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये मेरे शहर के लिए नॉट ओनली एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, छोटे व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस ट्रस्ट के माध्यम से, जिनका कुछ है ही नहीं, जिनका ऑन ग्राउंड कुछ है ही नहीं। ये सब देखते हुए मैंने ईओडब्ल्यू से जांच की मांग करी है कि वो कायदे से इस चीज़ पे जांच करें और अगर जांच में जो भी सही पाया जाएगा मैं उस निर्णय का स्वागत करती हूँ। मैं बस यहाँ किसी पे फॉल्स क्लेम या एलिगेशन लगाने नहीं बैठी हूँ, पर मैं स्थानीय विधायक हूँ। अगर मेरे पास मेरे गरीब कोई शिकायत लेके आते हैं, अगर मुझे दिखता है कि नोटिस आ रहे हैं हम मेरे गरीबों को इविक्ट करने के, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पर जांच कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जो सोसाइटी बनी हुई है इसने कुछ काम नहीं कराया रायबरेली में, जिस भी काम के लिए गठित हुई थी, जो भी इसके बायलॉज रहे थे। बहुत सारी अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ होती हैं, मैं देखती हूँ कि जनहित में वो कितना काम करते हैं, चाहे वो कोरोना के दरमियान हो या चाहे जब भी, सोसाइटियों ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस खुले हैं सोसाइटियों से, हॉस्पिटल्स खुले हैं। इन्होंने नॉट ओनली जो काम के लिए ज़मीन दी गई थी वो नहीं किया, पर साथ ही साथ अब इसको करोड़ों की सेल अग्रीमेंट 9-10 करोड़ की बना के सेल करना चाहते हैं, उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। 112 SDM की रिपोर्ट के मुताबिक, जो एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिले स्तर पे, उस रिपोर्ट के मुताबिक 112 परिवार हैं जिसमें मेरे ख्याल से 650 के आसपास लोग हैं मोटा मोटा, और हर जातीय वर्ग धर्म के लोग यहाँ बसे हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। छोटी छोटी उनकी दुकानें हैं, कुछ घर हैं, अधिकतर छोटी 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 दुकानें हैं सबकी। गांधी परिवार में 2 बार पहले भी PM CARES फंड के जो डिटेल्स हैं वो मांगे गए थे, ट्रांसपेरेंसी की बात की गई,
कैसे देखते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं? मुझे तो हंसी आती है कि जो लोग पीएम केयर फंड पे उंगली उठा रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है ये एक डेमोक्रेसी है, आपको उंगली उठानी है तो आप ये भी याद रखें कि तीन उंगलियां आप ही पे वापस उठ रही हैं। आप खुद पहले बताएं कि आपके नाक के नीचे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके घर, फ्रेंड्स एंड फैमिली और लॉयलिस्ट के बनाए हुए सोसाइटी में इतना बड़ा घपला चल रहा है, इतनी बड़ी ज़मीन से लोगों को निकाला जा रहा है जिस पर्पस से उनको ज़मीन मिली थी उसका उन्होंने कभी भी पालन नहीं किया, आज की तारीख में सेल डीड कैंसिलेशन उनकी रखी हुई है, तो किस हक से वो पीएम केयर फंड माननीय प्रधानमंत्री जी पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपको बता दें इस मामले में अदिति सिंह सीएम योगी से भी मदद मांग चुकी हैं और सीएम की तारीफ भी कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक। डन, मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।